हेलो फ्रेंड्स, आज जो चाट हम बनाने वाले हैं ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल की मज़ेदार चटपटी सी बनने वाली है। और सबसे अच्छी बात है, इसे हम बनाएंगे घर की बनाई हुई पापड़ी से। अगर आपका चाट खाने का मन कर रहा है तो देखिए इस वीडियो में एक सिंपल और आसान तरीका चटपटी दही पापड़ी चाट बनाने का। अब चाट खाने के लिए आपको बाजार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाजार से भी ज़्यादा बढ़िया चाट आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। अब दही पापड़ी चाट के लिए सबसे ज़रूरी है खस्ता पापड़ी बनाना। पापड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ 2 कटोरी। इससे हम आटा लगाएंगे। अब इसमें हम नमक मिला देते हैं, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं। मोइन के लिए 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसमें। बस इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स देने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, जैसे कि हम मठरी के लिए लगाते हैं उसी तरह से लगाना है, क्योंकि उसे बेल के हम पापड़ी कट करेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स तेल डाल दें और आटा ये तैयार हो गया है। एकदम स्मूथ बना है, सॉफ्ट भी है, बेलने में आसानी होगी। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हमें इसमें से लोइयाँ तैयार करनी है, तो मैं पूरे आटे में से यहाँ 4 बड़ी लोई ले रही हूँ। इससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक एक करके लोई लेंगे, उसे फैलाएंगे। अब हमें बड़ी सी चपाती बेल लेनी है और उसमें से हम कट करेंगे ये छोटे छोटे पापड़ी। अब पापड़ी का साइज़ तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहें तो बड़ा भी कट कर सकते हैं। बाज़ार में जो पापड़ी मिलती है वो तो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, लेकिन यहाँ पर हम घर पर बना रहे हैं तो बड़ी प्यारे से दिखने में होंगी छोटी छोटी सी पापड़ी। देखिए ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब एक फोक ले लेंगे और फोक से यहाँ पे इस तरह से हम मार्किंग्स लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं चाहते कि ये फूलें। अगर हमें गोलगप्पे बनाने हों तो इसे हम बिना मार्किंग के बनाएंगे। तो अब मैं कुकी कटर की मदद से यहाँ सेम साइज़ के बिल्कुल पापड़ी कट कर रही हूँ। जैसा मैंने बताया, मैं छोटे साइज़ की ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं, आप इसे बेल के भी तैयार कर सकते हैं, जिस भी शेप साइज़ की आप चाहते हैं। तो ये देखिए कितनी फटाफट से हमारा काम हो गया और अब ये पापड़ी तैयार है तलने के लिए। इसी तरह से मैंने बाकी की पापड़ी भी बेल ली है, आप देख सकते हैं। सभी को मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गरम करके रखा हुआ है, उसमें डालते जाएंगे। ध्यान रखें मीडियम हाई फ्लेम हो, ताकि पापड़ी अंदर तक सिक जाए और बन जाए एकदम खस्ता। जब थोड़ी सी सिकनी स्टार्ट हो तभी इसको पलटना स्टार्ट करें। अब इसे हमें एकदम सुनहरा सेकना है, क्योंकि हमें ये चाहिए एकदम क्रिस्पी। जब इस पर हम दही और बाकी चीज़ें डालेंगे तो फिर ये क्रिस्पी बनी रहे, उसके लिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा सेकते हैं। तो ये देखिए मैंने एकदम खस्ता सी ये सेक ली हैं। इसी तरह का कलर हमें चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरे घान भी इसी तरह से सेक लेंगे। पहले मैंने 2 लोई बेल के सेक ली, उसके बाद फिर 2 लोई लगा के और फटाफट से ये पापड़ी तैयार कर ली। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी खस्ता है, ये देखिए। अब मैं तो इसको सर्व करने वाली हूँ एक बड़ी सी प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे 12-15 पापड़ियाँ अच्छे से अरेंज की, बीच में थोड़ी सी खस्ता पापड़ी को क्रश करके डाल दिया। और अब हम इस पे डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। सबसे पहले अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दें, उसके बिना भी ये चाट बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ऊपर से मैं बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ साथ में। अब इसी के साथ हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने ऑलरेडी आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, इसे मैंने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस कट करें, आलू के मज़ेदार लगते हैं चाट में। अच्छी क्वांटिटी में डालें। उसके बाद डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला अच्छे से स्प्रिंकल कर लें सब तरफ, ताकि नीचे जो भी आलू और ये प्याज टमाटर डालें वो फीके ना रहें। काला नमक भी डालेंगे, सादे नमक की जगह काला नमक यूज़ करें इस चाट में। अब हम भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, वो भी एक लेयर अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। तो हमारी चाट की प्लेट का बेस तैयार हो गया। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अगर आपका दही खट्टा हो तो थोड़ी सी चीनी मिला लें उसमें पिसी हुई, उससे वो टेस्टी हो जाएगा। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे दही डालेंगे। किसी भी चाट की जान होती है हरी धनिया की चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो सबसे पहले ये हरी धनिया की चटनी डालेंगे, जिसे मैंने बनाया है धनिया मिर्च काला नमक अदरक से। सिंपल सी चटनी है बिल्कुल, लेकिन बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अब ऊपर से ये डाल दी है मैंने अच्छी मात्रा में। चाट हमारी कलरफुल भी तो लगनी चाहिए। अब डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। इसे आप बना के कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने बनाया है इमली के पल्प में गुड़ मिला के और उसमें काला नमक काली मिर्च डाल के, जिसे सौंठ बोलते हैं, वो तैयार करी है। तो ये डाल दी ऊपर से। अब फाइनली हम इसमें फिर से प्याज टमाटर उबले हुए आलू की एक लेयर डालेंगे और फिर से वही मसाले जो हमने डाले थे, चाट मसाला काला नमक भुना ज़ीरा, ये सारे चीज़ें हम फिर से एक लेयर डाल के और दही डाल देंगे ऊपर से। अब फाइनल टच देना है, उसके लिए मैं ले रही हूँ नायलॉन सेव, जो फीके वाले सेव होते हैं। ये भी इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में लेयर डाल दें पूरी। और अब डालेंगे ऊपर से अनार के दाने।
इसको डालते ही तो चाट जो इतनी कमाल की दिखती है और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, बिकॉज़ जो मीठा टेस्ट होता है अनार के दानों का वो खट्टे मीठे दही चटनियों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आ गया ना मुंह में पानी देखते ही। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।